हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग दुबे और लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि दो दोस्त रहते हैं, ए और बी। दोनों गांव में रहते हैं और अपना लकड़ी काट कर अपना गुजर बसर चला रहे होते हैं। अब ए जो रहता है वो थोड़ी कम लकड़ियाँ काट पाता है दिन भर में। दोनों ए और बी दोनों दोस्त दिन में सुबह घर से साथ निकलते हैं, शाम को घर से साथ लौटते हैं। तो रोज़ ये सोचता है कि बी ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है, मैं कम काट पाता हूँ। तो ऐसा ही काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन बी उससे पूछता है कि हम दोनों साथ में घर से निकलते हैं, साथ में वापस लौटते हैं, मैं ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाता हूँ, तू कम लकड़ियाँ काटता है, ऐसा क्यों है? तो वह ए से पूछता है कि बता तू आते से क्या करता है यहाँ पे पेड़ के पास जिसे तुझे काटना रहता है। तो ए बोलता है कि मैं कुछ नहीं करता, बस आकर कुल्हाड़ी चलाने लगता हूँ और लकड़ियाँ काटने लगता हूँ। तो बी उसको समझाता है कि यहीं पे तुम गलती कर रहे हो, मैं जब भी अपने पेड़ के पास जाता हूँ जिसे मुझे काटने रहता है तो सबसे पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ जिससे मैं कम समय में ज़्यादा लकड़ियाँ तुमसे काट पाता हूँ। तो कहानी का आज का सार यह है कि यही हो रहा है आपकी ज़िंदगी में भी। आपने कुछ एक किताबें जो कि स्तरहीन हैं उन्हें कंठस्थ याद कर लिया है, उनके कुछ फैक्ट्स को मुजुबानी रट लिया है और आप सोचते हैं कि ऐसे में आपका कोई यूपीएससी या एसएससी पीएससी जैसा हार्ड एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलिए और टॉपर्स के संपर्क में आइए, किसी भी प्रकार से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में आइए, किसी मार्गदर्शक के संपर्क में आइए, किसी भी तरीके से अपनी दिशा को बदलिए और दशा को सही करिए। तो वर्क जो है आप स्मार्टली करिए, हार्ड मत करिए। आप सोचते हैं कि 4 घंटे मैंने पढ़ लिया, 6 घंटे मैंने आज पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा क्या? आप क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, आप इस तरीके से तैयारी करिए कि कल आपका पेपर है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो कुछ भी करिए स्मार्टली करिए, वक्त बचाइए, जड़ पर वार करिए और जीतिए अपनी जंग हर रोज़। अलविदा।